वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी जाणांगे 6वीं मिसल तो लैके 11वीं मिसल तक। 6वीं कन्हैया पिंड काने दे सरदार जय सिंह जथेदार बने। कुछ आखते हैं कि पिंड काने तो इन्हां नूं कन्हैये कहण लगे, पर इन्हां नूं कन्हैये आखण दा एक कारण होर भी है। सरदार जय सिंह बहुत सोहना सी, जिस करके पिंड विच सारे जय सिंह नूं कृष्ण कन्हैया करके सददे सन। इस करके सरदार दे नाम तो ही मिसल दा नाम कन्हैया पै गया। 7वीं नकई, ये सबना नालों छोटी मिसल सी। जथेदार सरदार हीरा सिंह बने। इन्हां दे इलाके नक्का तो ही इन्हां नूं नकई कहण लगे। 8वीं डल्ले वालिया, रावी दे पत्तना ते स्थित पिंड डल्ले वाल दे भाई गुलाब सिंह जथेदार सन। भाई गुरदयाल सिंह, भाई हरदयाल सिंह ते भाई जयपाल सिंह, तीन भरा भी इसे मिसल दे मुखियां विचों सिंह सन। जद कलानौर दी जंग विच सरदार गुलाब सिंह शहीद हो गया तां डल्ले वालिया मिसल दे जथेदार भाई गुरदयाल सिंह बने। भाई गुरदयाल सिंह दा परिवार एडा सिदकी सी कि पंथ सेवा हित जान वारां नूं पल वी नहीं लाउंदा सी। एक लड़ाई विच सरदार गुरदयाल सिंह दे शहीद हो जाण मगरों सरदार तारा सिंह गैबा इस मिसल दा जथेदार बनिया। 9वीं मिसल शहीदा, जिस दे जथेदार शहीद बाबा दीप सिंह जी बने। बाबा जी दा पिंड पाओ विंड सी, पर उह दमदमे टिके हुए सन। उह कलगीधर महाराज दे हजूरी सिंघां विचों सन। महाराज कोलों ही उन्हां अमृत छकिया ते सच्चे पातशाह नाल रह के कई लड़ाइयां भी लड़ियां। मगरों जद महाराज नांदेड़ नूं चाला पाउण लगे तां उन्हां बाबा दीप सिंह जी नूं दमदमे रहण की सेवा बख्शी। बाबा जी ने भाई मनी सिंह जी नाल रल के गुरु ग्रंथ साहिब दे उतारियां की सेवा भी की। अपनी शहादत तक वह यह सेवा निरंतर करते रहे। बाबा जी दे जथे ऐसे सिंह सन जो शहीदियां पाउण लई सदा काले रहिंदे सन, इसलिए इन्हां नूं शहीदां दा जथा कह के सद्या जांदा है। मण मण लोहा शरीर नाल मण के तुरन वाले मिसल शहीदां दे सूरमियां तो वैरी पै खांदा सी। 10वीं करोड़ सिंघिया, इस मिसल दा मोढ़ी सूरमा सरदार बाबा शाम सिंह सी। बाबा शाम सिंह उन्हां सिंघां विचों सन जिन्हां 10वें पातशाह तो लैके पंथ दे दिल्ली फतेह करन तक दा समां देखिया सी। इन्ने समय दौरान पंथ जिन्हां भी दुखां सुखां थाणी लंघिया सब नाल बाबा शाम सिंह रूबरू होया। बाबा जी का दबदबा मुगल फौजां विच इन्ना सी कि दुश्मन सिपाहियों विच ये गल मशहूर सी कि बाबा शाम सिंह बिना किसी हथियार तो भी कई मुगलों नूं पार बुला सकता है। बाबा शाम सिंह दा साथी सरदार करम सिंह जलंधर की जंग विच बेमिसाल ते बेजोड़ बहादुरी नाल लड़िया ते शहीदी प्राप्त की। बाबा जी दे ही जथे दे एक सिंह करोड़ा सिंह तो मिसल दा नां करोड़ सिंह ही आ पिया। टांडे की लड़ाई विच दीवान बिशंबर दास दा सिर करोड़ा सिंह ने ही वड्डिया सी। इस मिसल दे सूरमे सिंघां ने ही मगरों दिल्ली फतेह की ते पंथ दा निशान लाल किले ते झुलाया। इन्हां सूरबीर योध्यां ने ही दिल्ली नूं खालसे दे कदमां विच निवाया। 11वीं सांगणिया, जो जथेदार नंद सिंह सांगणिया तो चली ते जिसने मगरों मिसर रामगढ़िया करके प्रसिद्धि मिली। इन्हां दा मोढ़ी सरदार खुशहाल सिंह सी, जिसने बाबा बंदा सिंह तो खंडे की पौल ली। बाबा बंदा सिंह नाल ही रल के वह मुगलों नाल लोहा लैंदा रहा ते एक जंग विच शहीदी पा गया। खुशहाल सिंह मगरों सरदार नंद सिंह सांगणिया मुखी बनया। जस्सा सिंह, तारा सिंह ते माली सिंह नामी तीन भरा नंद सिंह नाल शामिल होए। नंद सिंह ने जस्सा सिंह नूं अपना सेनापति ला लिया। जस्सा सिंह दे दादे भाई हरदास सिंह ने कलगीधर महाराज तो अमृत छकिया सी। नंद सिंह दे चलाना कर जाण मगरों जस्सा सिंह मिसलदार बनया। मगरों रामगढ़, जिसका पहला नाँ राम रौणी सी, किले का प्रबंध इन्हों को आने कारण इन्हों के नाम न रामगढ़िया लग गया ते मिसल का नाम ही रामगढ़िया मिसल हो गया। ये सन खालसे दी 11 मिसलां जिन्हां ने आने वाले समय विच पंजाब की धरती तो दोखियां का सफाया करना सी, विदेशी धाड़वियां नूं भजाउणा सी ते राज खालसा दी नीहां पक्कियां करनियां सन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।